दोस्तों आज मैं आपको दुनिया की पांच ऐसी मशीनें दिखाने जा रहा हूं जिन्हें दूसरे कंट्रीज में लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ट्री श्रीडर, ये मशीन काफ़ी ताकतवर होती है जो बड़े बड़े दरख्तों को भी खा जाती है, मतलब इन्हें पीस कर इनका बूरा बना देती है ताकि इसे कहीं और काम में लिया जा सके, जैसा कि खाद बनाने या फिर जानवरों के लिए खाना बनाने में। यह भारी से भारी लकड़ियों को भी उठा सकती है और इसके कचरे को साइड में इकट्ठा कर देती है। कॉस्नो, ये एक मल्टीपर्पज स्मार्ट कॉफ़ी टेबल है जिसे फ्यूजर को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसमें कॉफ़ी का मज़ा लेने के साथ साथ और भी काफ़ी सारे फीचर हैं। इस डिवाइस में एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया गया है जो घर के फ्रीजर की तरह काम करता है, जिसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ठंडा कर सकते हो। और इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें एक म्यूज़िक सिस्टम भी दिया गया है जो आपके घर को पार्टी हब में बदल देगा। न्यूरो ने साल 2018 में दुनिया की पहली डिलीवरी कार सर्विस लॉन्च की जो लोगों के घरों तक बिना ड्राइवर के सामान डिलीवर करती है। इस व्हीकल में एक बैटरी सिस्टम लगा हुआ है जो एक बार चार्ज करने पर पूरा दिन चलता है। इसके अंदर दो मेन कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें सामान को रखा जाता है। जैसे ही ये डिवाइस आपके घर पहुंचती है तो टच स्क्रीन पर न्यूरो ऐप की तरफ से प्रोवाइड करदा कोड को इनपुट करने पर इस व्हीकल के दरवाजे ओपन हो जाएंगे और फिर आप अपने बैग को ले सकते हो। स्वीपर रोबोट, आजकल खेतों में काम करने वाले मजदूर कम ही मिलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर एक कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसे खरीदने के बाद आपको किसी मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रोबोट का साइज़ छोटा होने की वजह से ये किसी भी जगह आसानी से पहुंच सकता है, जो फलों और सब्जियों की कटाई काफ़ी सफाई के साथ करता है। ये फलों को अपने सेंसर से स्कैन करके इन्हें बिना नुकसान पहुँचाए काट देता है। वोलोकॉप्टर, ये एक ऐसा ड्रोन है जो 40 किलोमीटर दूर तक लगभग 200 किलो वजन लेकर जा सकता है। आप इस ड्रोन की मदद से काफ़ी ऊंची जगहों पर भारी सामान को पहुंचा सकते हो। साथ ही साथ ये ड्रोन काफ़ी कम वक्त में सामान को सही जगह पर डिलीवर कर सकता है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन का इस्तेमाल किसानों के लिए खेतों में भी किया जा सकता है, जो खेतों में स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में 8 घंटे लग गए, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें।